छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री और कोरिया जिला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू का कोरिया जिला मुख्यालय में प्रथम बार आगमन हुआ। इनके आगमन के स्वागत में कोरिया जिले के तीनों विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, अंबिका सिंह देव, गुलाब कमरो अपने समर्थकों के साथ किया। आगमन में सांसद ज्योतिषना महंत की गरिमा में उपस्थिति रही। आपको बता दें कि कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू का प्रथम बार आगमन हुआ। जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों की जहां समीक्षा बैठक के लिए, वहीं दूसरी ओर मुख्यालय से लगा ग्राम पंचायत आनी में बने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गौठान में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। साथ ही विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, महिला समूह द्वारा घरेलू निर्माण किए गए प्रोडक्ट्स के साथ अन्य विभागों की समीक्षा कर जानकारी ली। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा जनहित की योजनाओं के संबंध में जिले के आला अधिकारियों से बैठक कर जानकारी प्राप्त की और मुख्यमंत्री की भावी योजनाओं की गंभीरता से अधिकारियों के बीच चर्चा पर चर्चा की। सभ्यता या भौतिकवादी युग में दूसरा मोड़ ले लिया है तो हमको उसको फिर से अपनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने चुनाव के पहले ही नरवा गरवा घुरवा बारी की नारा दिया जी। और अब उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, एक तो हम इंक्रोचमेंट से अलग बचेंगे, वृक्षारोपण होने से प्रदूषण मुक्त अलग होंगे, और इमारती लकड़ी है तो अलग काम आएगा, फलदार वृक्ष है तो अलग काम आएगा, औषधीय पौधे हैं तो अलग काम आएगा। यहाँ पर आज हमारे साथ हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय ज्योतिषना महंत जी हैं, हमारे तीनों यहाँ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी, गुलाब कमरो जी, आदरणीय अंबिका जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये सभी पदाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, हमारे श्याम जी हमारे एसपी हैं, सभी लोग की उपस्थिति में 26 एकड़ का ये एरिया उन्होंने इसके लिए वृक्षारोपण के चिन्हांकित किया, इसमें दौरान भी है उनका, तो मुझे अच्छा लगा आज पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में। कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कोरिया छत्तीसगढ़ से।